बिहार में शिक्षा विभाग और बीपीएससी के थ्रू जिस तरीके से शिक्षक बहाली हुई थी उसके बावजूद भी, कड़ी मुस्तैदी के बावजूद भी जो फर्जी बाड़ा है वो सामने आया। आपको बता दें, आपको प्रथम चरण में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया था और दूसरे चरण के भी नतीजे आ गए और काउंसलिंग चल रही है। इसी बीच जिस तरीके से थंब इम्प्रेशन की जांच की जा रही है, हिंदुस्तान के मुताबिक, आपको बता दें एक खबर दैनिक अखबार हिंदुस्तान में छपी है, उसके मुताबिक आपको बताए इस बीच टीचर भर्ती में बड़ा झोल उजागर हुआ है। इसका खुलासा मुजफ्फरपुर में तब हुआ जब थंब इम्प्रेशन देने की बारी आई तो अचानक टीचर जो है वो बीमार पड़ने लगे और भाग रहे हैं। मुरैर के शिक्षक के भाग खड़े होने पर शिक्षा भवन कार्यालय में हड़कंप मच गया है। इसके बाद थंब इम्प्रेशन से बचने वाले शिक्षक पर सख्ती बढ़ गई है। नवनियुक्त शिक्षकों की थंब इम्प्रेशन से फर्जी शिक्षकों को खोजने की जांच चल रही है। दो दिन की जांच में लगभग 25% शिक्षक ऐसे हैं जिनके थंब इम्प्रेशन नहीं मिले हैं। अंगूठी का निशान नहीं मिलने के वाले शिक्षकों के एडमिट कार्ड के QR कोड के साथ ही फोटो से पहचान का विकल्प दिया गया है। DEO अजय कुमार सिंह ने कहा है कि ऐसे शिक्षक जो बीमार का आवेदन दे रहे हैं उन्हें अल्टीमेटम दिया गया है। कैंप में आने के बाद भी कई शिक्षक जांच से बच रहे हैं। जो सही है उनका 3 में से किसी भी एक विकल्प से मिलना जल्द हो जा रहा है। जांच से जो शिक्षक कतरा रहे हैं, कहीं ना कहीं संदेह खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा सामने आया है। आपको बता दें दूसरे दिन शुक्रवार को जिले में 167 शिक्षक को जांच के लिए बुलाया गया था। इसमें 164 शिक्षक ही शामिल हुए। 135 शिक्षकों के अंगूठे का मिलान हुआ, 29 का मिलान नहीं हो सका। इन शिक्षकों को अन्य विकल्प का मिलान शनिवार को किया जाएगा। 2 दिन में 41 शिक्षकों के अंगूठे का मिलान नहीं हो पाया है। इस बीच बीमारी का आवेदन देने वाले DEO कार्यालय की ओर से अल्टीमेटम दे दिया गया है जिसमें दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में 626 शिक्षकों की अभी काउंसलिंग बाकी है। इसमें आपको बता दें ऐसे शिक्षक भी शामिल हैं जिनका अभी तक बोल सकते हैं वेरिफिकेशन नहीं हुआ, अंगूठे का मिलान नहीं हो रहा। 3 विकल्प दिए जा रहे हैं, 3ों में से किसी 1 में आपका मिलान होना बहुत ही जरूरी है। और अखबार की खबर के अनुसार जिस तरीके से जो शिक्षक है वो बीमारी का बहाना दे रहे हैं, कहीं ना कहीं संदेह पैदा हो रहा है कि बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षक बहाली हुई थी उसमें बहुत बड़ी फर्जीवाड़ा हुआ है। चलिए बढ़ा, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आप IBTV देख रहे हैं। धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।